मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार को समाधान यात्रा के दौरान कैमूर जिले के भगवानपुर प्रखंड के पड़ौती पहुंचे। जब भारी संख्या में लोगों की भीड़ अपनी समस्याओं का आवेदन मुख्यमंत्री को देने के लिए उमड़ पड़ी। इस बीच जब मुख्यमंत्री रास्ते से गुजर रहे थे तो एक बीएसएससी के छात्र ने उनका ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि बीएसएससी के सभी पालियों की परीक्षा को रद्द किया जाए। सूरज पीछे हो जाना। स्टूडेंट के साथ सर किया जाए सर, और टोटल जो एग्जाम है उसको रद्द करके पुनः पारदर्शिता के साथ सर, नहीं नहीं सर बात करने दीजिए सर, समस्या का समाधान इसी यात्रा में है सर, ताकि समस्या नहीं होगा तो कैसे होगा सर। छात्र का इतना बोलना ही था कि मुख्यमंत्री जाने लगे, फिर भी छात्र ने उनसे रुकने के लिए रिक्वेस्ट की और अपनी पूरी बात को बताया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने भी संबंधित पदाधिकारी को इस मामले को देखने की बात कही। सर जो देखिए 23 दिसंबर को बीएसएससी सीजीएल 3 का जो एग्जाम हुआ था, बिहार सचिवालय सहायक की जो परीक्षा हुआ था उसमें 23 और 24 तारीख को जो परीक्षा हुआ था उसमें 23 तारीख को वाला में फर्स्ट शिफ्ट को कैंसिल किया गया, और हमारे सभी छात्र से यही सभी मांग है ताकि सभी एग्जाम को रद्द करके पुनः पारदर्शिता के साथ कंडक्ट कराया जाए, आगे चल के ऐसे नई विधि व्यवस्था के साथ किया जाए, ताकि बार बार हम लोग हर आयोग के पास गए, आयोग भी वही किया, 4 जनवरी को हम लोग ने आंदोलन किया शांतिपूर्ण तरीके से और लोकतांत्रिक तरीके से, उसमें लाठी चार्ज किया गया जेपी डकबंगला चौराहा पे, फिर हम लोग ने 29 दिसंबर को ट्विटर कैंपेन किए थे, उसमें 5,74,000 ट्वीट हुआ था, उस पर क्या हुआ था कि सरकार की तरफ से कोई अभी प्रतिक्रिया नहीं आई और ना ही आयोग की तरफ से आया। इस पर ही हम आज समाधान यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने अपनी समस्याओं को रखा ताकि उस पर विचार करें और पुनः जो बचा है सेकेंड और थर्ड पाली उसको पुनः तरीके से रद्द करके पुनः पारदर्शिता के साथ पेपर को कंडक्ट कराया क्या जाए। कुछ बात हुआ? बात क्या हुआ, थोड़े मोड़े सुने, हमारा जो मांग समस्या था यही सुनाए माननीय मुख्यमंत्री जी को, अब समझे, बोले हैं कि ठीक है हम करवा लेते हैं जांच, यही तो कह रहे हैं जांच करवाने की बात है। बोले हैं कि अब इस पर जांच क्या करें, जांच तो हो ही रहा है, लोग जगह जगह से गिरफ्तार हो रहे हैं, उन पे यही है कि टोटल परीक्षा को रद्द करके पुनः पारदर्शिता के साथ परीक्षा को लिया जाए। क्या नाम होगा आपका? जी दीपक कुमार पांडे। आप भी एग्जाम दिए थे? हाँ हम भी दिए थे, हम भी विद्यार्थी, हम कोई नेता होता नहीं है, हम विद्यार्थी हैं, हम छात्र हैं, हम कोई नेता होता नहीं है, अपनी समस्या को लेकर समाधान यात्रा निकला था, हम सोचे कि हम भी अपना समस्या सुना दें। निकल गया था, अरे गौर का इग्नोर करते रहे लेकिन हम बात को बोलते रह गए, वो बोले अपने अधिकारी को कि देख लीजिए देख लीजिए। समाधान यात्रा में नीतीश कुमार से अपनी बातों को रखने पहुंचे छात्रों ने कहा कि अगर सरकार परीक्षा रद्द नहीं करती तो हमारी समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा।